इवनिंग स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा इकोलॉजी। आज हम इकोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसका फर्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस। इससे पहले मैं ट्रिक्स वाली क्वेश्चंस जो है वीडियो डाल चुकी हूँ, तो आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें भी बीच में मैं आपको ट्रिक्स देती जाऊँगी कि कैसे आपको ग्राफ्स वगैरह लर्न करने हैं। सो आवर लिविंग वर्ल्ड इज़ फैसिनेटिंगली डाइवर्स एंड अमेजिंगली कॉम्प्लेक्स। हमारा जो लिविंग वर्ल्ड है बिल्कुल ही डाइवर्सिटी हमको इतनी देखने को मिलती है। लोअर ग्रुप से हायर ग्रुप में जाएं, प्लांट्स में जाएं या एनिमल्स में जाएं, हमें इतनी सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। और लोअर ग्रुप से हायर ग्रुप में जाने पर हर चीज़ में हमें वेरिएशंस और कॉम्प्लेक्सिटी दिखाई देती है। वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स कॉम्प्लेक्सिटी बाय इन्वेस्टिगेटिंग प्रोसेस एट वेरियस लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। हम इसको डिफरेंट लेवल से भी कॉम्प्लेक्सिटी को मेज़र कर सकते हैं। कैसे कि यहाँ पर आता है मैक्रोमोलिक्यूल्स, तो आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है कि जो बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसमें फर्स्ट लेवल क्या है, तो बच्चे उसको सेल से स्टार्ट करते हैं। और आपको उसको मैक्रोमोलिक्यूल्स यानी बायोमोलिक्यूल्स से स्टार्ट करना है कि मैक्रोमोलिक्यूल्स जो हैं वो कंबाइंड होते हैं, जब कंबाइंड होते हैं तो सेल्स बनती हैं। क्योंकि आपको पता है कि मैक्रोमोलिक्यूल में आपके सारे जो प्रोटीन्स आ रहे हैं, जो उसके बाद आपके कार्बोहाइड्रेट्स आ रहे हैं, वो सब हैं, सब मिलके हमारा सेल बन रहा है। और सेल के बाद सेल कंबाइंड होती है तो फिर टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ मिलते हैं तो फिर हमारा ऑर्गन बनता है, फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, और फिर सिस्टम से फिर हमारा एक ऑर्गेनिज्म बनता है, ऑर्गेन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से फिर हमारा ऑर्गेनिज्म्स बनते हैं। ठीक है, तो हमारी जो बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो मैक्रोमोलिक्यूल से स्टार्ट होती है, ये बात ध्यान रखने वाली है यहाँ पर। और दूसरी बात याद रखने वाली है, जो हमारी इकोलॉजी है उसकी जो अगर हम देखें उसके जो लेवल है, तो उसमें फर्स्ट लेवल आता है ऑर्गेनिज्म का। हमारी इकोलॉजी का जो फर्स्ट लेवल आता है उसमें आता है ऑर्गेनिज्म। और जब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक ही स्पीसीज़ के आपस में इकट्ठा हो जाते हैं, मान लो ह्यूमन की बात करते हैं, अगर बहुत सारे होमो सेपियंस ह्यूमन बींग्स हम सब इकट्ठा हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, पॉपुलेशन। सो ऑर्गेनिज्म जब एक साथ कंबाइंड हो जाते हैं एक ही स्पीसीज़ के, तो हमारे बन जाती है वो पॉपुलेशन। ठीक है, वो हमारी बन जाती है पॉपुलेशन। और जब डिफरेंट टाइप्स की पॉपुलेशन बन जा रहती हैं, मान लो ये वाला एक एरिया है, ठीक है, यहाँ पर ह्यूमन बीइंग आ गए, उसके बाद यहाँ पर हमारी प्लांट्स आ गए, ठीक है, यहाँ पर कुछ बर्ड्स आ गई, यहाँ पर कुछ डॉग आ गए, डॉग की स्पीसीज आ गई, तो जब इतने सारी पॉपुलेशन एक साथ रहने लग जाती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी। यानी अलग अलग पॉपुलेशन जब इकट्ठा हो जाती हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ह्यूमन बींग की पॉपुलेशन है, या डॉग्स की पॉपुलेशन है, या प्लांट्स की पॉपुलेशन है, या बर्ड्स की पॉपुलेशन है, ये सब मिल गए तो एक क्या हो गया, कम्युनिटी इकट्ठा हो गई। अब ये कम्युनिटीज़ का, इनका जितने भी ये हैं, इनका जितनी भी हमारी ये कम्युनिटी है, इसका एबायोटिक फैक्टर, ये आपस में तो इंटरेक्ट करेंगे ही, इसके अलावा इनका एबायोटिक जितने भी फैक्टर्स हैं उनके साथ जो इंटरेक्शन है, यानी बायोटिक तो है ही, बायोटिक का तो आपस में है ही, इसके अलावा एबायोटिक फैक्टर मतलब लाइट से, टेम्परेचर है, सॉइल है, ठीक है, वाटर है, इनके साथ जो इंट्रैक्शन होता है उससे मिलकर क्या बन जाता है हमारा इकोसिस्टम, उससे मिलकर बन जाता है हमारा इकोसिस्टम, मतलब एबायोटिक और बायोटिक के बीच का इंट्रैक्शन, सो वो बन जाता है इकोसिस्टम। तो ऐसे बहुत सारे इकोसिस्टम जब इकट्ठा हो जाते हैं, मान लो एक लैंड का एरिया था ये वाला, यहाँ पर एक एरिया है, यहाँ पर इधर एक लैंड एरिया है, यहाँ पर वाटर है, तो यहाँ पर एक्वेटिक इकोसिस्टम होगा, ठीक है, एक्वेटिक इकोसिस्टम होगा, यहाँ लैंड वाला है, ग्रास लैंड है या जो भी है, ठीक है। तो ऐसे करके जब बहुत सारे इकोसिस्टम एक एरिया में बन जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, बायोम। और बायोम का एक वहाँ का क्लाइमेट और वहाँ की वेजिटेशन फिक्स होती है उस एरिया की, मतलब फिक्स हो जाती है कि यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसा है, तो जब क्लाइमेटिक कंडीशन पता है तो वहाँ की वेजिटेशन भी पता होगी कि यहाँ पर इस टाइप के प्लांट्स देखने को मिलेंगे। नॉर्मली ऐसा होता है कुछ कुछ चेंजेस कभी हो सकते हैं, बट नहीं तो वो क्लाइमेट और वेजिटेशन फिक्स होती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बायोम। और सारे बायोम जब आपस में मिल जाते हैं तो बनता है बायोस्फीयर, यानी बायोस्फीयर के अंदर सारे बायोम आ गए, ठीक है। तो यही बताया गया यहाँ पर, एन इकोसिस्टम एंड बायोम एट एनी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वी कैन आस्क टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। ये बात क्लियर हो गई कि बायोम क्या है, बायोम का वहाँ पर वेजिटेशन और क्लाइमेट फिक्स, और सारे बायोम को मिला के हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर।
सो एट एनी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वी मे आस्क टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. हम दो तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ और वाई टाइप. हाउ डज द एग्जाम्पल, वेन वी हेयर द बुलबुल सिंगिंग अर्ली मॉर्निंग इन द गार्डन, वी मे आस्क हाउ डज द बर्ड सिंग, ये बर्ड कैसे गाना गा रही है, एंड वाई डज द बर्ड सिंग, और क्यों गा रही है. तो हाउ टाइप एंड वाई टाइप के क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं. तो हाउ टाइप के क्वेश्चन क्या है कि उसके पीछे मैकेनिज्म क्या है कि वो गाना गा रही है और वो क्यों गाना गा रही है. अगर फर्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो उसमें क्या हो रहा है, उसका वाइब्रेशन हो रहा है, वॉइस बॉक्स में वाइब्रेशन हो रहा है, जैसे सिरिंग्स बोलते हैं. सो वाई टाइप क्वेश्चन सीख द सिग्नल प्रोसेस फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन इन आर एग्जांपल, द आंसर माइट बी इन द टर्म्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ द वॉइस बॉक्स. वॉइस बॉक्स का ऑपरेशन हो रहा है, वाइब्रेटिंग बोन्स इन द बर्ड, वहाँ पर वाइब्रेशन हो रहा है. हमारे अंदर भी ऐसा होता है, जब वॉइस बॉक्स में वाइब्रेशंस होती हैं तभी हमारी वॉइस आती है. तो ऐसे ही बर्ड्स के अंदर वाइब्रेशन हो रही है जिससे आवाज़ आ रही है उसकी, वो गाना गा रही है. फॉर द सेकेंड क्वेश्चन द आंसर में लाई इन द बर्ड्स नीड टू कम्युनिकेट विद इट्स मेट ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन. वो अपने मेट को, अपने मेट पार्टनर को बुलाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए गाना गा रही है. वैन यू ऑब्जर्व नेचर अराउंड यू विद ए साइंटिफिक फ्रेम ऑफ माइंड, यू विल सर्टेनली कम अप विद मैनी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑफ बोथ टाइप. तो आपको दो टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आपको दिमाग में आएंगे. कौन कौन से? वाई आर नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स जनरली वाइट. जो हम रात में खिलते हैं वो हमेशा वाइट के होते हैं फ्लावर्स, उसका रीज़न है जब वाइट होंगे क्योंकि रात में तो क्या करेंगे, वो मून लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे, तो इसलिए उनमें जो है वो वाइट कलर के होते हैं. फिर हाउ डज अ बी नो विच फ्लावर हैज़ नेक्टर. बी को कैसे पता चलता है कि किसके पास नेक्टर है? तो वहाँ पर कुछ स्पेसिफिक बी होती हैं जो आइडेंटिफाई करती हैं कि इस वाले फ्लावर के पास नेक्टर है, और उसके बाद वो एट टाइप में इस तरह से डांस करती हैं और दूसरे बीज को बचाती हैं कि भाई बताती हैं कि यहाँ पर इस वाला, ये वाला फ्लावर जो है इसके पास नेक्टर है, यहाँ पर इसके पास घूम घूम के वो इस टाइप का डांस करेगी ताकि सारे बीज जो है वहाँ पर आए कि इस फ्लावर के पास नेक्टर है. Why does cactus have so many thorns? कैक्टस के पास इतने सारे कांटे क्यों होते हैं? क्योंकि आपको पता है कि जो कैक्टस है वो कहाँ होता है? डेजर्ट में. और जब वो डेजर्ट में होता है तो वहाँ पर पानी की तो कमी है, तो इसलिए वहाँ जो लीफ होती है वो स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती हैं. दूसरा, प्रोटेक्शन के लिए, दोनों चीज़ों के लिए, क्योंकि ट्रांसपिरेशन से वाटर लॉस ना हो और ये उसके प्रोटेक्शन के लिए भी हो जाता है, तो दोनों में उसको वो हेल्प करता है. सो ये क्वेश्चंस हैं जो इनके दिमाग में आते हैं. आता है, यू हैव ऑलरेडी लर्न इन प्रीवियस क्लासेज दैट इकोलॉजी इज़ ए सब्जेक्ट विच स्टडीज़ द इंट्रैक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स फिजिकल यानी ए बायोटिक एनवायरनमेंट के बीच में जो रिलेशन है वो, ठीक है. सो इकोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? इंट्रैक्शन बिटवीन लिविंग बींग एंड नॉन लिविंग बींग. सो इकोलॉजी इज बेसिकली कंसर्न विद फोर लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन: ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड बायोम. इन दिस चैप्टर वी एक्सप्लोर इकोलॉजी एट ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन लेवल. इस वाले चैप्टर में हम ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर आगे हम इकोसिस्टम जब आएगा तब हम वहाँ पर जो है फूड चेन, फूड वेब, वो सब इंट्रैक्शंस पढ़ेंगे. सो यहाँ पर इकोलॉजिकल जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ऑर्गेनिज्म से. अब इतने सारे बायोम हैं, इसको भी लर्न करने का मैं भी आपको एक तरीका बताऊंगी. इकोलॉजी एट द ऑर्गेनिज्म लेवल इज एसेंशियली फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी. ये क्वेश्चन भी आता है कि ऑर्गेनिज्म लेवल पर वो कौन सी इकोलॉजी है? फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी. कैसे? कि अगर डेजर्ट में प्लांट है तो डेजर्ट में प्लांट में जो है वो किस तरह से वो वहाँ पर अपने आप को मॉडिफाई किया है, कैसे उसमें अडेप्टेशन डेवलप हुई हैं उस जगह पे रहने के लिए. मान लो उसको पानी अब्जॉर्ब करना है तो उसमें रूट सिस्टम वेल डेवलप्ड होगा. वाटर लॉस को बचाना है तो इसके मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन हैं ये. अगर उसमें मूवमेंट्स हो रही हैं, क्या फंक्शन हो रहे हैं, वो फिजियोलॉजी हो गई उसकी. तो इस तरह से हम उसमें सारी अडेप्टेशन पढ़ेंगे. अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट ऑर्गेन अडेप्टेड टू द एनवायरमेंट इन टर्म्स ऑफ नॉट ओनली सर्वाइवल बट ऑल्सो रिप्रोडक्शन. कि वो उसमें कैसी अडेप्टेशन डेवलप हुई है जिसकी वजह से वो अच्छे से वहाँ सर्वाइव कर सके और रिप्रोड्यूस कर सके. यू मे हैव लर्न इन अर्लियर क्लासेज हाउ द रोटेशन ऑफ आवर प्लैनेट अराउंड द सन एंड द टिल्ट ऑफ इट्स एक्सिस कॉज एनुअल वेरिएशन इन द इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर रिजल्टिंग इन डिस्टिंक्ट सीजन. हमें पता है कि जो अर्थ है, जो सन है, किस तरह से सन एंड द टिल्ट ऑफ इट्स एक्सिस कॉजेज एनुअल वेरिएशन. जब वो घूमते हैं उसके चारों तरफ तो यहाँ पर क्या होता है, रोटेशंस आते हैं. तो जब वो रोटेशन आ रहे हैं तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, कहीं पर जो है अंधेरा हो जाता है और कहीं पर रोशनी रहती है. तो अलग अलग वहाँ पर, जैसे मान लो यहाँ पर दिन है तो अमेरिका में रात होगा. इसी तरह से वेरिएशंस आती हैं, सीजन चेंज होते हैं, और इसकी वजह से क्योंकि एक्सेस कॉजेज एनुअल वेरिएशन इन द इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर. ठीक है,
प्लैनेट अराउंड द सन, हमारा प्लैनेट जो है वो कैसे सन के तरह चारों तरफ घूम रहा है, एंड द टिल्ट ऑफ इट्स एक्सिस, उसकी जो एक्सिस है वो स्ट्रेट नहीं है, उसमें थोड़ा सा वो तिरछी है, जिसकी वजह से वहाँ पर वेरिएशंस आते हैं, जिसकी वजह से सीजन्स आते हैं। द वेरिएशन टुगेदर विद एनुअल वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन क्या होता है, यानी वाटर का किसी भी फॉर्म में नीचे गिरना, चाहे वो रेन के फॉर्म में हो, चाहे वो स्नो के फॉर्म में हो, चाहे वो हेल के फॉर्म में, किसी में हो, रेन एंड स्नो अकाउंट फॉर्मेशन ऑफ मेजर बायोम्स सच एज डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट एंड टुंड्रा। अब ये डिफरेंट टाइप के बायोम्स बन रहे हैं किसके बेसिस पर, कि कितनी प्रेसिपिटेशन हो रही है, यानी कितना रेनफॉल हो रहा है और कितना टेम्परेचर है, कितना टेम्परेचर है और कितना रेनफॉल हो रहा है, उसके बेसिस पर ये इतने सारे बायोम बन जाते हैं। अब आप इनको कैसे याद रखेंगे, आपको पता है कि सबसे जो ठंडा है, हमें पता है, हमने पढ़ा था, ये देखो यहाँ पर अर्थ का अगर हम देखते हैं तो ये वाला रीजन क्या है, इक्वेटर, इक्वेटर, फिर यानी ये वाला रीजन होता है ट्रॉपिकल, इसके पास वाला होता है ट्रॉपिकल, ये वाला जोन हो गया ट्रॉपिकल जहाँ पर सन रेज आती हैं डायरेक्ट, तो यहाँ पर ज़्यादा क्या होता है, ज़्यादा रेनफॉल होता है, ज़्यादा जो है रेनफॉल भी होगा और ज़्यादा टेम्परेचर भी होगा। उसके ऊपर वाला रीजन हो जाता है टेम्परेट, और सबसे ऊपर वाला ये वाला रीजन हो जाता है पोल रीजन, आर्टिक अंटार्कटिक जोन, ठीक है, ये आर्टिक अंटार्कटिक जोन है, फिर इक्वेटर के पास वाला ये वाला ट्रॉपिक जोन है, ट्रॉपिक से ऊपर टेम्परेट, और फिर ऊपर सबसे ऊपर पोल्स की साइड हो जाता है हमारा आर्टिक और अंटार्कटिक, और अगर हम माउंटेंस पे देखते हैं तो माउंटेंस में ये वाला रीजन कहलाता है अल्पाइन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश भी होगी और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर भी होगा ट्रॉपिक वाले में, ठीक। तो अब हम वही देखेंगे, और डेजर्ट वाला जोन जो बनेगा जहाँ सबसे कम बारिश होगी, तो देखो आर्टिक एंड अल्पाइन टुंड्रा, यहाँ पर क्या हो गया, माइनस में टेम्परेचर है, क्योंकि ये पोल पे है, पोल पे है तो टेम्परेचर सबसे कम होगा, तो आपको याद हो जाएगा। डेजर्ट वाला जोन, डेजर्ट जहाँ सबसे कम बारिश है, देखो बारिश सबसे कम है यहाँ पर, प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश, बारिश देखो सबसे कम, सबसे कम कहाँ होगी, डेजर्ट में होगी। सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ हो रहा है, सबसे ज़्यादा बारिश हो रही है ट्रॉपिकल में, टेम्परेचर भी हाई है और सबसे ज़्यादा बारिश भी है, तो ये आ गया ट्रॉपिकल। अब ये वाला जो बना हुआ है, ये देखो ये कॉनिफर, कॉनिफर आप ऐसे भी देख सके आ सकते हो कि ये बिल्कुल कोन की तरह का दिख रहा है, कोन की तरह दिख रहा है तो कॉनिफर हो गया, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। फिर टेम्परेट, टेम्परेट के अंदर क्या हो रहा है कि ट्रॉपिकल से कम, ट्रॉपिकल से कम बारिश है और टेम्परेचर भी मतलब बराबर है पर बारिश उससे कम है, तो हमें ये याद हो जाएंगे। फिर बच गया लास्ट का ग्रासलैंड, देखो ट्रॉपिकल से नीचे आना है टेम्परेट क्योंकि वहाँ पे कम बारिश है उससे, और ये हो गया कॉनिफर्स कोन की तरह दिख रहा है, अब लास्ट में बच गया हमारा ग्रासलैंड, तो हम इस तरह से भी याद कर सकते हैं इसको कि ये हमें डेजर्ट पक्का हो गया, ये पक्का हो गया, ये पक्का हो गया और कॉनिफर पक्का हो गया, और टेम्परेट क्या हो गया कि जहाँ पे ट्रॉपिकल से कम बारिश होनी है वो आ गया हमारा टेम्परेट, अब बच गया ग्रासलैंड, तो लास्ट वाला जो गया वो ग्रासलैंड। इसके अलावा आप एक चीज़ और, एक चीज़ से और एक ट्रिक से भी लर्न कर सकते हैं, और इसके लिए ट्रिक क्या है, ट्रिक है एसी ट्रेन का टेम्परेचर घटा दो, एसी ट्रेन का टेम्परेचर घटा दो, एसी ट्रेन का टेम्परेचर घटा दो, कैसे, देखो ए मटा आर्टिक एंड अल्पाइन, सी कॉनिफर, ट्रेन टेम्परेट टेम्परेचर, ठीक है, एसी ट्रेन का टेम्परेचर घटा दो, एसी ए सी ट्रेन टेम्परेचर घटा दो, ठीक है, तो ऐसे भी लर्न कर सकते हैं आप, एसी ट्रेन का टेम्परेचर घटा दो, ठीक है। तो ये आ गया मेजर बायोम, कई बार आपसे ABCD करके इसमें बायोम्स के बारे में पूछ लिया जाता है। अतः रीजनल एंड लोकल वेरिएशन विद इन ईच बायोम लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ए वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटेट, वेरिएशंस के अकॉर्डिंग हमारे ये बायोम बने हैं। डेजर्ट क्या है, जहाँ पर बारिश बिल्कुल नहीं है, बहुत ही कम है, टेम्परेचर हाई है, ट्रॉपिकल में बारिश भी है रेनफॉल भी है, तो उसी हिसाब से उसका बायोम बन गया, वहीं उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पर प्लांट्स होंगे, वहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग एनिमल्स देखने को मिलेंगे, वेरिएशंस वहाँ देख लेंगे। मेजर बायोम ऑफ इंडिया शोन इन फिगर दिस ऑन प्लैनेट अर्थ, लाइफ एग्जिस्ट नॉट जस्ट इन ए फ्यू फेवरेबल हैबिटेट बट इवन इन एक्सट्रीम एंड हार्श हैबिटेट, मतलब ऐसा नहीं है कि खाली यहीं पर ही पॉसिबल है, हार्श कंडीशन में भी लाइफ है, स्क्रॉचिंग राजस्थान डेजर्ट, डेजर्ट में मिली है लाइट, परपेचुअली रेन सॉक मेघालय जहाँ फॉरेस्ट, जहाँ पर हमेशा बारिश रहती है वहाँ पर भी लाइफ है, डीप ओशियन ट्रेंचेस जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है वहाँ पर भी लाइफ है, टोरेंशियल स्ट्रीम्स
परमाफ्रॉस्ट पोलर रीजन, यानी जहाँ पर हर टाइम परमाफ्रॉस्ट मतलब जहाँ हर टाइम बर्फ़ जमी रहती है वहाँ पर भी लाइफ है। टॉरेंशियल यानी जहाँ मूसलाधार बारिश होती है वहाँ पर भी है। हाई माउंटेन टॉप्स, बॉयलिंग थर्मल स्प्रिंग जहाँ से नीचे से गर्म पानी निकलता है वहाँ पर भी लाइफ है। स्टिंकिंग कंपोस्ट पिट, जहाँ पर जो कंपोस्ट के लिए हम डालते हैं जो डिकम्पोजिशन के लिए पिट बनाते हैं वहाँ पर भी लाइफ है। टू नेम ए फ्यू, इवन आर इंटेस्टाइन इज यूनिक हैबिटेट फॉर हंड्रेड ऑफ स्पीसीज ऑफ माइक्रो, इवन हमारे इंटेस्टाइन के अंदर भी माइक्रोब्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, यानी ये डिफरेंट कंडीशंस हैं जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। ठीक है, आता है वॉट आर द की एलिमेंट दैट लीड टू ए सच वेरिएशन इन फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन ऑफ डिफरेंट हैबिटेट, कौन से की एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से इतने सारे वेरिएशन हमको देखने को मिलते हैं। तो हमारे जो की एलिमेंट्स हैं, जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं, वी मस्ट रिमेंबर द फिजियोकेमिकल एबायोटिक कंपोनेंट्स अलोन डू नॉट करेक्ट द हैबिटेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कम्प्लीट, द हैबिटेट इंक्लूड बायोटिक कंपोनेंट ऑल्सो, मतलब एबायोटिक एंड बायोटिक दोनों ही कंपोनेंट के इंट्रैक्शन होती है और उनका जो है वेरिएशंस क्रिएट होते हैं। तो जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर आता है, ये पूछा जाता है कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है टेम्परेचर, उसके बाद आता है वाटर, देन लाइट एंड सॉइल, मतलब सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ता है वो टेम्परेचर की वजह से पड़ता है, उसके बाद वाटर की वजह से, देन लाइट एंड सॉइल। बायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, पैथोजेंस, पैरासाइट्स, प्रीडेटर, कंपिटिटर्स, ये हम पढ़ेंगे, पूरा इंट्रैक्शंस पढ़ेंगे सबके बारे में, सबके एग्जाम्पल्स भी पढ़ेंगे। वी अज्यूम दैट ओवर पीरियड ऑफ टाइम द ऑर्गेनिज्म हैड थ्रू नेचुरल सिलेक्शन इवॉल्व्ड अडॉप्टेशन टू ऑप्टिमाइज इट्स सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन एंड हैबिटेट, ऑर्गेनिज्म में अपने आप को जिंदा रखने के लिए वही है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो अपने आप को फिट रखेगा वही सर्वाइव करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, अपनी जनरेशन आगे बढ़ाएगा, कैसी अडॉप्टेशन उसने डेवलप की है जिससे नेचर उनको सेलेक्ट करे और वो आगे रिप्रोड्यूस करके अपनी जनरेशन को बढ़ाए। ठीक है, तो ये हमारा हुआ जनरल इंट्रोडक्शन। अब आते हैं हमारे मेजर एबायोटिक फैक्टर्स, मेजर एबायोटिक फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो हमारे चार जो थे हमारे मेजर एबायोटिक फैक्टर्स हैं, जिनमें टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल। टेम्परेचर इज़ द मोस्ट इकोलॉजिकली रेलेवेंट एनवायरमेंटल फैक्टर, यू आर अवेयर दैट द एवरेज टेम्परेचर ऑन लैंड वेरी सीजनली, सीजनली चेंज होता है हमारा, डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड द पोल, ये अभी हमने देखा था कि अगर हम इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं तो इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है, पोल पे सबसे कम है, ऐसे ही प्लेन से माउंटेन पे टॉप पे जाएंगे तो यहाँ टेम्परेचर कम होगा, लो होगा और यहाँ पर हाई होगा, तभी तो लोग गर्मियों में पहाड़ों पे जाते हैं, तो ये चेंज होता रहता है। इट रेंजेस फ्रॉम सब जीरो लेवल इन पोलर एरिया, सब जीरो लेवल आ गया पोलर एरिया में जहाँ पे बर्फ़ रहती है, एंड हाई एल्टीट्यूड टू 50 डिग्री सेल्सियस इन ट्रॉपिकल डेजर्ट, डेजर्ट में 50 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। इन समर देर आर हाउएवर यूनिक हैबिटेट सच एस थर्मल स्प्रिंग्स एंड डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स वेयर एवरेज टेम्परेचर एक्सीड टू 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब थर्मल स्प्रिंग में क्या होता है वहाँ पर गर्म पानी अपने आप से निकलता है, मतलब उबलता हुआ पानी होता है, तो टेम्परेचर क्या होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए कितनी सारी वेरिएशंस हैं, कहीं पर जीरो है, कहीं पर 50 है, कहीं पर 100। इट इज़ जनरल नॉलेज दैट द मैंगो ट्री डू नॉट एंड कैन नॉट ग्रो इन टेम्परेट कंट्री, वो गर्मी वाली जगह पे ही ग्रो कर सकता है, टेम्परेट रीजन में नहीं ग्रो कर सकता, लाइक कनाडा एंड जर्मनी। स्नो लेपर्ड आर नॉट फाउंड इन केरला, स्नो लेपर्ड है तो वो स्नो जहाँ पर होगी जहाँ टेम्परेचर बहुत कम होगा वहीं मिलेगा। एंड ट्यूना फिश आर रेयरली कॉट बियॉन्ड ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल से बाहर ट्यूना फिश हमें देखने को नहीं मिलेगी, तो ये सारे वहीं के अकॉर्डिंग उनमें अडेप्टेशन हैं, ये वहीं हमें देखने को मिलेंगे। यू कैन रेडिली अप्रिशिएट द सिग्निफिकेंस ऑफ टेम्परेचर लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हेन यू रियलाइज दैट इट अफेक्ट द काइनेटिक ऑफ एंजाइम्स एंड थ्रू इट द बेसल मेटाबॉलिक एक्टिविटी। काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम मतलब आपको पता है कि जितने भी एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन्स हैं, तो हाई टेम्परेचर पे क्या होते हैं डीनेचर हो जाते हैं, और जब डीनेचर हो जाएंगे तो फंक्शन ही नहीं करेंगे, और लो टेम्परेचर पे क्या होता है ये इनएक्टिव हो जाते हैं, तो ये वहाँ पर वर्क ही नहीं करेंगे, तो बेसिक मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी जो है वो इफेक्ट हो जाएगी, जिससे उसके फंक्शन इफेक्टेड हो जाएंगे ऑर्गेनिज्म के। सो अ फ्यू ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट एंड थ्राइव इन ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, दे आर कॉल्ड यूरीथर्मल, यूरी मतलब ब्रॉड, जो ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे हम लोग हैं, हम लोग अगर बहुत ठंड लगती है तो हम ब्लैंकेट्स ले लेते हैं, जैकेट्स पहन लेते हैं, हीटर लगा लेते हैं, और बहुत ज़्यादा ठंडी गर्मी लगती है तो माउंटेन्स पे चले जाते हैं, एसी लगा के बैठ जाते हैं, तो हम वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को बेयर कर सकते हैं, तो हम क्या होगा यूरीथर्मल। बट द वास्ट मेजोरिटी ऑफ देम आर रेस्ट्रिक्टेड टू नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, सच ऑर्गेनिज्म कॉल्ड स्टेनोथर्मस, स्टेनो मतलब नैरो रेंज से कोई जो कुछ ही को अडप्ट कर सकते हैं, कुछ ही जगह पर रह सकते हैं, बहुत वाइड रेंज में नहीं हो सकते, वो स्टेनोथर्मल कहलाते हैं। स्टेनोथर्मल जैसे लिजार्ड है, पोलर बियर है, या गए द लेवल ऑफ थर्मल टॉलरेंस
ऑफ डिफरेंट स्पीसीज डिटरमाइन टू ए लार्ज एक्सटेंट देयर ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसलिए जो वाइड रेंज वाले हैं वो आपको सारी जगह देखने को मिलेंगे, पर जो नैरो रेंज वाले हैं वो उनकी थोड़ा सा, अगर जैसे पोलर बियर है तो वो हमें यहाँ नहीं मिलेगा, वो वहीं पर ही मिलेगा कोल्ड रीजन में जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। सो इन रिसेंट ईयर देयर हैज़ बीन ए ग्रोइंग कंसर्न अबाउट द ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर। ये हमने ग्लोबल जो है बढ़ रहा है आजकल। इफ़ इट सम कंटिन्यू वुड यू एक्सपेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन रेंज ऑफ समर्स में अफेक्टेड। नेचुरली ये जब टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो इफेक्ट तो करेगा ही करेगा। नेक्स्ट आता है वाटर। फर्स्ट हमारा है, आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहला कौन है कि फैक्टर जो इफेक्ट करता है, वो है टेम्परेचर, सेकेंड है वाटर। नेक्स्ट टू द टेम्परेचर, वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म। आपको पता है कि लाइफ ओरिजिनेट ही वाटर के अंदर हुई है, तो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटर है। बिना पानी के तो हम सस्टेन ही नहीं कर सकते। लाइफ ऑन अर्थ ओरिजिनेट इन वाटर एंड द अनसस्टेनेबल विदाउट वाटर। उसके बिना हम नहीं रह सकते। इट्स अवेलेबिलिटी सो लिमिटेड इन डेजर्ट दैट ओनली स्पेशल अडेप्टेशन मेक इट पॉसिबल टू लिव देयर। उनमें स्पेशल अडेप्टेशन हैं, जो डेजर्ट में रहते हैं तभी वो वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं। द प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इज़ ऑल्सो हैवनली डिपेंडेंट ऑन वाटर। ये हमने देखा था जब हम प्लांट किंगडम पढ़ रहे थे 11th में, कि जो वाटर पे डिपेंडेंट है, जैसे ब्रायोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स हैं, जिनमें जो फर्टिलाइजेशन है वो पानी में ही होता है, तो वो पानी के आसपास ही मिलेंगे और पानी के जहाँ नहीं है वहाँ वो डेवलप ही नहीं करेंगे। सो पानी पे डिपेंड करता है। यू माइट थिंक दैट ऑर्गेनिज्म लेवल लिविंग इन ओशियन लेक्स एंड रिवर्स शुड नॉट फेस एनी वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम, बट इट इज़ नॉट ट्रू। जो पानी में रहते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, ऐसा नहीं है कि वो पानी में है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको भी प्रॉब्लम है। फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म द क्वालिटी, उनको क्या प्रॉब्लम है, क्वांटिटी नहीं, क्वांटिटी तो मिल रही है बट क्वालिटी कैसी है, केमिकल कंपोजिशन उसकी कैसी है, पीएच उसका कैसा है, उसमें सॉल्ट कंसेंट्रेशन, केमिकल कंपोजिशन मतलब सॉल्टी है या नहीं है, कितना सॉल्ट कंसेंट्रेशन है, पीएच कितनी है, इंपॉर्टेंट। द सॉल्ट कंसेंट्रेशन मेजर्ड एज सैलिनिटी, उसको हम बोलते हैं सैलिनिटी, इन पार्ट्स पर थाउजेंड, इन लेस देन फाइव इन इनलैंड वाटर्स, 30 to 35 इन सी एंड 100 इन सब हाइपर सैलिन लगूनस। सम ऑर्गेनिज्म आर टॉलरेंट ऑफ वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी, जो ज़्यादा उसको बेयर कर सकते हैं वो यूरी आ जाते हैं, जैसे वहाँ पर यूरी थर्मल था, थर्मल मतलब टेम्परेचर, सैलिन हेलाइन मतलब सैलिनिटी, तो वो हो गए यूरी हेलाइन। जो खाली एक नैरो रेंज को ही कर सकते हैं वो कहलाते हैं स्टीनो हेलाइन। मैनी फ्रेश वाटर एनिमल कैन नॉट लिव फॉर लॉन्ग इन सी वाटर। फ्रेश वाटर सी वाटर में जाके नहीं रह सकता, क्यों, क्योंकि फ्रेश वाटर में क्या होगा, मान लो एक ऑर्गेनिज्म है, ये फ्रेश वाटर की फिश है, इसको हम यहाँ पे सॉल्ट में डाल दें तो पानी इसकी बॉडी से बाहर आ जाएगा, जिसकी वजह से वो श्रिंक कर जाएगी और मर जाएगी। और अगर हम किसी सॉल्ट सी वाले को डाल दें यहाँ पर हम फ्रेश वाटर में, तो क्या होगा, पानी इसके अंदर घुस जाएगा तो स्वेल अप करके बस्ट हो जाएगी। तो सी वाला फ्रेश वाटर में और फ्रेश वाला सी में नहीं रह सकता, क्योंकि उनके अंदर ऐसी अडेप्टेशंस ही नहीं है, बिकॉज ऑफ द ऑस्मोटिक प्रॉब्लम, क्योंकि उनमें ऑस्मोटिक प्रॉब्लम आ जाएगी और वो वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये नेक्स्ट है हमारा वाटर। अब थर्ड आता है लाइट। सिंस प्लांट प्रोड्यूस फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, अ प्रोसेस विच इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन सनलाइट इज़ अवेलेबल एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, वी कैन क्विकली अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, पर्टिकुलरली ऑटोट्रॉफ्स। आपको बताया कि ऑटोट्रॉफ्स को तो सनलाइट चाहिए, बिना सनलाइट के वो फोटोसिंथेसिस, फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मीन फॉर्मेशन ऑफ फूड, बिना लाइट के वो फूड बना ही नहीं सकते। तो ऑटोट्रॉफ्स के लिए तो लाइट के बिना खाना बनाने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। मैनी स्पीसीज ऑफ प्लांट्स हर्ब्स एंड श्रब्स ग्रोइंग इन फॉरेस्ट आर अडैप्टेड टू फोटोसिंथेसिस ऑप्टिमली अंडर वेरी लो लाइट कंडीशन, बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली ओवरशैडोड बाय टॉल कैनोपी ट्री। टॉल कैनोपी ट्री मतलब मान लो एक बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर एक छोटा सा, छोटे छोटे हर्ब्स शर्ब्स हैं, तो अब इनको खाली यहाँ से छन के जो छोटी छोटी लाइट आती है वही लेके ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ये इन्होंने इसी टाइप के इतनी लाइट कंडीशन के अंदर ही फोटोसिंथेसिस करने को अपने आप को अडॉप्ट कर लिया है, कि इनके पास कम लाइट आती है जो नीचे हर्ब शर्ब है, क्योंकि पेड़ इतने बड़े बड़े हैं वो उसको ढक लेते हैं, कैनोपी, कैनोपी ऑफ ट्री में यहाँ पर एक है, तो जो छन छन के लाइट आती है खाली उसी में ही वो फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, ऐसी अडॉप्टेशन उनके अंदर है। मैनी प्लांट्स आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन सनलाइट टू मीट देयर फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट फॉर फ्लावरिंग। हमने ऐसे देखा है कि कुछ जो पेड़ होते हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, वो हम गर्मियों में लगाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको ज़्यादा फोटो पीरियड चाहिए, फोटो पीरियड मतलब ड्यूरेशन ऑफ लाइट चाहिए फ्लावरिंग के लिए। कुछ हम जो है वो विंटर्स में लगाते हैं क्योंकि उनको कम चाहिए, और कुछ हम सेप्टेम्बर अक्टूबर में चलाते हैं जिनको ना ज़्यादा चाहिए ना कम चाहिए। तो फोटो पीरियड होता है कि हर एक प्लांट की एक रिक्वायरमेंट होती है कि कितना लाइट उनको चाहिए अपने फ्लावरिंग के लिए। For many animals too, light is important in that they use the diurnal and seasonal variation in light intensity and duration for timing their foraging, reproductive and migratory activity. आपने देखा है कि कुछ animals होते हैं जो वो रात को निकलते हैं
और कुछ होते हैं जो खाली दिन में निकलते हैं और रात में अंदर घुस जाते हैं। तो जो रात में निकलते हैं वो होते हैं नॉक्टर्नल, और जो दिन में निकलते हैं वो है डायूरनल। तो वो उसके अकॉर्डिंग उनके अंदर अडेप्टेशन है कि वो रात को निकलें, तो उनमें रात के अकॉर्डिंग अडेप्टेशन है कि वो रात को सब कुछ अपना जो है वो निकल के अपना शिकार वगैरह करते हैं और सब काम करते हैं, और कुछ हैं जो खाली दिन में ही निकलते हैं, तो ऐसी उनकी अडेप्टेशन है। द अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट ऑन लैंड इज़ क्लोजली लिंक विद देयर टेम्परेचर सिंस द सन इज़ द सोर्स फॉर एनर्जी। कौन है सोर्स? सन है। ओशियन द एनवायरमेंट इज़ पर्जुअली डार्क एंड इनहेबिटेंट आर नॉट अवेयर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ सेलेस्टियल सोर्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड सन। क्वांटिटी ऑफ सोलर आर इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ। द यूवी कंपोनेंट्स ऑफ द स्पेक्ट्रम इज हार्मफुल टू मेनी ऑर्गेनिज्म, वाइल नॉट ऑल द कलर कंपोनेंट ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम आर अवेलेबल फॉर मैराइन प्लांट्स लिविंग इन डिफरेंट डेप्थ ऑफ द ओशियन। अमंग द रेड ग्रीन एंड ब्राउन एल्गी दैट इनहेबिट द सी विच इज़ लाइकली टू बी फाउंड इन डीपेस्ट वाटर। सबसे ऊपर आपको क्या आंसर दिखेगी? ग्रीन, क्योंकि उसको सनलाइट ज़्यादा चाहिए, तो वो क्लोरोफिल है उसके पास, तो वो फोटोसिंथेसिस करके। बीच में आपको देखने को मिलेगी ब्राउन, और सबसे नीचे देखने को मिलेगी रेड एल्गी। तो तीसरा कंपोनेंट है हमारा सॉइल। ऐसा नहीं है कि सॉइल का कोई इफेक्ट नहीं है, सॉइल का भी है कि कैसे वहाँ पर पार्टिकल है, उनका क्या साइज़ है, कैसी सॉइल की क्वालिटी है। द नेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल इन डिफरेंट प्लेसेस वेरी, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द क्लाइमेट, द वैदरिंग प्रोसेस। वैदरिंग प्रोसेस मतलब जब जहाँ पर वैदरिंग मतलब रॉक के को तोड़ करके सॉइल बनाना। वेदर सॉइल इज़ ट्रांसपोर्टेड, ट्रांसपोर्ट होके कहीं से आई है पानी के साथ, या सेडिमेंट्री है मतलब लेयर्स इकट्ठा होकर जमती गई और बनती गई। एंड हाउ सॉइल डेवलपमेंट अकर, वेरियस करेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉइल सच एज सॉइल कंपोजिशन, कि वहाँ पर क्ले कितना है, सैंड कितना है, ये सब क्या है, ग्रेन साइज कितना है उसका, एंड एग्रीगेशन डिटरमाइन वो कैसे आपस में जुड़े हैं, उसकी परकुलेशन यानी पानी बहता है या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है उसकी, सब डिपेंड करता है। दीज करेक्टरिस्टिक अलॉन्ग विद द पैरामीटर सच एज पीएच कितना है, मिनरल कंपोजिशन कितने उसमें मिनरल्स हैं, कैल्शियम कितना है, नाइट्रोजन कितना है, फॉस्फोरस कितना है, वो टोपोग्राफी डिटरमाइन टू ए लार्ज एक्सटेंट द वेजिटेशन इन एन एरिया। तो वहाँ पर कैसी वेजिटेशन होगी वो सॉइल के ऊपर डिपेंड करेगा, सॉइल के कंपोजिशन पे डिपेंड करेगा। टर्न डिक्टेट द टाइप ऑफ एनिमल दैट कैन बी सपोर्टेड, और एनिमल भी उसी टाइप के होंगे वहाँ पर। सिमिलरली इन द एक्वेटिक एनवायरमेंट द सेडिमेंट करेक्टरिस्टिक ऑफन डिटरमाइन द टाइप ऑफ बेंथिक एनिमल, बेंथिक मतलब जो बिल्कुल नीचे रहते हैं, दैट कैन थ्राइव देयर, जो वहाँ पर रह सकते हैं। तो ये हो गए हमारे मेजर एबायोटिक फैक्टर्स, ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट में हम ये सारे रिस्पॉन्स पढ़ेंगे एबायोटिक फैक्टर का, हम अपने आप से कैसे अडॉप्ट करते हैं। सो आपको समझ में आया होगा, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।